मैं करंट अपडेट आप लोगों को देता हूँ कि हम तीनों के जो पैर है उंगलियां ये जो पूरी जमना शुरू हो गई है, हाथ लाल हो गए, नाक जमना शुरू हो गई। कैसे What do you call this? Ujjay breathing. You can see it on YouTube. It's very good. People, women who are on hormonal balance, disbalance होता है, thyroid problem होता है, उनके लिए Ujjay breathing. There are different kind of breathing. So, जो लोगों को नहीं मालूम, happy like happy yoga rider ऐसा इनका Instagram name है and he used to do yoga. Still does yoga. Yeah. When I met him in Ladakh, he was like पूरा वो time peak पे चले थे yoga के, अभी थोड़ा but vitamin M करने के लिए थोड़ा vitamin yoga छोड़ दिया. But it's very difficult. No. It helps in This is called breathing from Ujjayi breathing. This people think there's only one kind of breathing in yoga. एक ही बात बस. बहुत कपाल भाती के अलावा और बहुत different type of breathings है. अब YouTube पे रामदेव को देखो. You can see doctors will say. मतलब weight loss भी होता है ना. हाँ अलग blood pressure भी down होता है. There are different type of breathing. There's not only one type. अभी ये सब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. Thank you अभी भाई. अभी और गाड़ी में बहुत गपशप होगी. तो welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. एक vlog खत्म. दूसरा vlog शुरू. यही हमारी जिंदगी. यही हमारी life. ये हमारी life. ओके लेट्स गो. बाकी सब बाकी यहाँ पर छोड़ देते हैं. अभी एक सीन हो गया था कि बिकॉज सामान बहुत ज़्यादा हो गया था एंड ऋषि वॉज सपोज टू जॉइन अस. गाड़ी में जगह बिल्कुल भी नहीं थी तो ऋषि भाई ने एक टैक्सी की एंड सोनल भाजी नहीं जाते ऋषि अकेले जाए. तो सोनल भाजी हैज जॉइंड ऋषि भाई ऑन द वे टू अमृतसर. दे हैव लेफ्ट ऑलमोस्ट वन आवर बिफोर. तो मी हैप्पी भाई एंड शाइन सर मैं लैपटॉप में काम करूँगा. हैप्पी भाई विल ड्राइव. अमृतसर ज़्यादा दूर नहीं है. फोर आवर्स 200 something kilometers. हम लोग निकल गए 228 kilometers 3 hours 53 minutes. So we are on NH-103A चंडीगढ़ जलंधर हाईवे एंड लुक एट दिस. मतलब बहुत कम होता है कि आप इंडिया में देखते हो कि ऐसे हाईवे के लाइट्स जो है स्ट्रीट लाइट वो चालू है और हाईवे देखो भाई ऐसे हाईवे पे आप 140-130 चलाओ कुछ समझ में नहीं आएगा. हम लोग तो फिर भी 100 मेंटेन कर रहे हैं. रिस्क नहीं लेने का अभी को. यहाँ अभी जाके बहुत टाइम बाद स्ट्रीट लाइट बंद हुई है. द लोएस्ट टेम्परेचर वी हैव टच्ड टिल नाउ राइट नाउ इट्स 3.5 और फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि 3.5 के बाजू में चिली वाला साइन है. और ये बात करते करते टेम्परेचर गिर गया 3.5 से 3 से 2.5. इतना चिली है बाप रे बाप. नेक्स्ट सेगमेंट में 1.5 होने वाला है भाई. यहाँ पर अपन बाइक नहीं चला पाते मेरे को लग रहा है. और चलाते भी तो बहुत धीरे चलाते. 2.2 हो गया. 2 माय गॉड 2 डिग्री अभी जीरो हो जाएगा. अरे बाप रे बाप. और एक और वियर्ड चीज कि यहाँ पर जो टोल नाका है वो बंद है. ये वाला बंद है कि नहीं चालू है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता. फास्टैग लगे है इसके पहले वाले बंद था. ऊपर लिखा है फास्टैग लेकिन कोई है ही नहीं. नोबडी इज देयर ना कैश के लिए. इतना अच्छा हाईवे बना के छोड़ दिया. अब ये ठंडी की वजह से है कि नहीं अपने ठंडी की वजह से थोड़ी बंद करेगा. ऐसा गाना हो ऐसा हाईवे हो. वी आर कंप्लीटली ब्लाइंड कांट सी एनीथिंग. स्पीड हो गई है 20. सो वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रक टू ओवरटेक देन वी कैन फॉलो द ट्रक. फॉलो करेंगे. ऐसा ही करना पड़ता है फॉग में. अपने को सेफ रहने का वाह है. देर पहुंचे चले चलेगा. वाह अभी हम लोग धीरे चला रहे करके थोड़ा बहुत बाहर आया. मैं इतना अच्छा लग रहा है बॉस. मेरे बाल जम जाएंगे. और अंदर भी गाड़ी के अंदर फॉग आ रहा है. आई कैन सी. आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं. एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है करने का. 8 डिग्री में मुंह बाहर. ओ मेरा मुंह फ्रीज हो रहा है. मुंह बाहर निकलने का बिकॉज इट्स फॉग एंड वी कांट सी एनीथिंग. पाप 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 मुंह फ्रीज हो गया. ओह शैनिस वाज स्लीपिंग बिहाइंड. आई टोल्ड ना एक मोमेंट है थोड़ा बाहर निकाल ले मुंह अपना. ये बेडशीट निकाल के बेडशीट के साथ मत जाना पीछे वरना उड़ता रहेगा फटफट फट करके. तो ये जो छोटा सा डॉट आपको दिख रहा है तो ये इनोवा वाला हम लोग को मिल गया. भगवान के रूप में आया और मस्त फॉग में भी चला रहा है. हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं. 100 पे चला रहा हूँ. जिगरा है भाई उसका जिगरा. तो 85 पे फॉलो कर रहे तो हम लोगों ने उसको मस्त 300-400 meters 500 meters डिस्टेंस मेंटेन किया है और उसके पीछे जा रहे हैं. अपने पीछे भी लाइन है. 3-4 लोग अपने भी पीछे. सो इट्स ऑफिशियल. इट्स 1 डिग्री आउटसाइड. माइनस आई डोंट थिंक माइनस होगा. माइनस लग नहीं रहा लेकिन बाहर बहुत ठंडा है. अभी मैंने क्या किया था सनरूफ खोल के ना अपने हाथ को ऐसा वो राइडिंग पोजीशन में बाहर रखा था. आई कुडंट कीप माय हैंड्स आउट फॉर मोर देन अ मिनट एंड वाज लाइक फ्रोजन. लाइक हैंड्स मूव नहीं हो रहे थे. तो मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर बाइक पर रहता और चलाता तो कैसा लगता. फाइनली जो है फॉग कम हुआ है और कम में भी देखो कैसा है. ऐसा बंद करो. एंड वी हैव रीच अमृतसर. अभी सीन क्या हुआ कि होटल्स जो है नहीं मिल रहे थे तो सुरन बाजी ने गुरुद्वारा के नज़दीक होटल लिया है और हम तीनों ने मैंने हैप्पी शानिस ने थोड़ा दूर 4 kilometers दूर होटल लिया है. तो अभी हम लोग थोड़ा सा शावर लेके गुरुद्वारा जाएंगे. तो लग रहा है कि मैं यूरोप के कुछ छोटे से होटल में आ गया हूँ. और ये लिटरली येलो लिया था बट उनको क्या है अभी होटल वहाँ नजदीक मिल गया. सो राइट नाउ इट्स 3:40 इन द नाइट और शुड आई से इन द मॉर्निंग. दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू गोल्डन टेंपल. बाय हैप्पी बाय.
because it's Amrit Vela, and Amrit Vela is the best time, the most auspicious period when the holy book is brought inside the golden temple every day in the morning, and we will get to see that nice moment. Abhi scene ye hai ki abhi chal raha hai curfew अमृतसर में पंजाब में, तो हम लोग को अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, वरना प्लान तो ये था कि हम टैक्सी बुक करेंगे और टैक्सी लेके जाएंगे। तो बाहर पार्किंग कैसा है वो मुझे नहीं मालूम, वो अभी हमें बताएंगे। कैमरा अंदर अलाउड है कि नहीं, अपना कैमरा गाड़ी में रख के विल शूट फ्रॉम द फोन। तो बेसिकली जब आप गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे आते हो तो आपको गाड़ी अगर ला रहे हो आप, तो आप गाड़ी एक स्पेशल पार्किंग में, इतनी पार्किंग में जो है पार्क करके आप जा सकते हो। थोड़ा वॉकिंग होगा, दो तीन मिनट का वॉकिंग है, बट एक है कि गाड़ी जो है सेफली पार्क रहती है। और ये जो पार्किंग है काफ़ी बड़ी, और पुलिस का सर्वेलेंस कैमरा भी है। भी हम यहाँ से उतरेंगे और फिर दो तीन मिनट चल के जाएंगे, आई थिंक यही है इधर। और ये पार्किंग से निकले हम, और ये रहा सामने गुरुद्वारा। हो गया टाइट एकदम। अभी 2 डिग्री है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऑल्दो मुझे इतनी लग नहीं रही है, बट चाइनीज को बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने बोला ना हाथ गर्म कर ले। दिस होल प्लेस वॉज वेरी स्मॉल एंड नॉट ऑर्गेनाइज लाइक दैट प्लेस, दे हैव टेकन, इन्होंने पूरी गुरुद्वारा ने जगह एक्वायर करके इसको पूरा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बना दिया। खूबसूरत लग रहा है। हाँ, एंड दैट उन्होंने फ्री स्टे नॉमिनल प्राइस पे स्टे रखा है, सराय रखी है, वेरी नॉर्मल प्राइस पे स्टे है। इसकी सड़क ही अलग बनाई है ना पूरी। फ्रीली ओनली इज द एनर्जी इज अलग है। आई थिंक ये टाइम अच्छा है आने का, बिकॉज जिस हिसाब से जगह दिख रही है दिन में तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती होगी। तो वी शुड से कि जो कर्फ्यू वाला सीन है ये हमारा काइंड ऑफ फेवर में आ गया। बिल्कुल, अभी तो अंदर जाके मालूम पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो शायद इसको बेर इट वाला एक चाय पी ले। मैं भी पी रहा हूँ, हैप्पी भाई को नहीं जरूरत नहीं है इतनी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे उसके दर्शन करने के बाद पीना, सुच्चे मुँह से दर्शन करना है। तो ये जो मेरे पीछे दिख रहा है होटल अबोध, सबवे के ऊपर, वहाँ पर सोनबाजी ठहरे हैं। अभी यहाँ पर सीन क्या होता है कि यहाँ पर गाड़ी अलाउड नहीं है, तो हम लोग जो चल के आए 10-15 मिनट, वो सूटकेस लेके चल के आना पड़ता जो कि बहुत मेहनत होता, वो तो क्या टैक्सी में आए थे तो ही कुड कम। तो आई थिंक इट्स अ बेटर थिंग कि फुल था, हम लोग को वहाँ मिल गया। ये जो पूरी जगह है थोड़ा बहुत फिल्म सिटी का स्टूडियो लगता है ना शानस। और आप देखो इसका जो सबका जो शॉप है, जो नाम है एकदम सेम तरीके से लिखे हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अलग तरीके का कोई फॉन्ट यूज करना। मैकडॉनल्ड्स के बाहर एक एम मुझे दिखा येलो, और सबवे के ऊपर वो ग्रीन कलर का सबवे दिखा, इसके अलावा सब कुछ सेम फॉन्ट में लिखा है। तो जूता उतारना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सॉक्स भी उतारना पड़ेगा। आपने कभी गर्मी में टाइल्स पे चले हो? ट्रस्ट से ज्यादा डेंजरस होता है ठंडी में टाइल्स में चलना, जो ठंडी के चटके लगते हैं ना वाला, कि ये जो ठंडा है वो तो रेड हो गया। मुझे अभी जो ही फील हुआ माय गॉड, अभी शावर लेने में अमोनिया का डिप इन वाटर। रियली 2 डिग्री में, 1 डिग्री में। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं भी कोशिश करूंगा। लेट्स सी हाउ डू यू फील जानिस। दिस इज फाइन बिकॉज़ अभी गोनी पे चल रहे हैं। टाइल्स पे कैसा लगा? टाइल्स पे थोड़ा टाइम लगा, ये गीला है ना, अच्छा फॉग की वजह से थोड़ा वार्म लगा। Guys, are you ready for the beautiful view? Wait and watch. ये जो व्यू है, oh my God! और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं होशो आवाज में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बचपन में मेरे डैड लाए थे मुझे कतार में, मुझे मौका मिलता था बिकॉज विंटर्स में हमारा यहाँ पर 12 घंटे का लेवर होता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई बिकॉज 12 घंटे का था, तो नींद मिल के यहाँ पर आना ठंडी में पॉसिबल नहीं था। और अभी देखो, और पानी में से धुआं निकल रहा है। मुझे बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं, पानी में से हल्का हल्का जो स्टीम निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ की जो खूबसूरती है मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता, एंड मैं कसम से बोलता हूँ आज फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि मैंने A7S3 लेके ज़िंदगी में सही काम किया, बिकॉज यहाँ की जो खूबसूरती है थोड़ा बहुत ये वाला कैमरा कैप्चर कर सकता है। ये देखो, लिटरली ऐसा ही फील हो रहा है मुझको, एकदम ऐसा। मैं करंट अपडेट आप लोगों को देता हूँ कि हम तीनों के जो पैर है, उंगलियाँ, ये जो पूरी जमना शुरू हो गई है, हाथ लाल हो गए, नाक जमना शुरू हो गई, चेहरा जमना शुरू हो गया है, बिकॉज अभी यहाँ पर 1 डिग्री है और 1 डिग्री में यहाँ पर हवा चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि 10-18 डिग्री में हवा चलती है तो हालत ख़राब हो जाती है 1 डिग्री में, और फिर भी एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये अंकल लिटरली कम से कम 70+ होंगे और ये ठंडे पानी में शावर लेने गए, मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा मेरे को भी भाई। इट्स ये देखो,
एंड द बेस्ट पार्ट जो कि मुझे लगी, जो कि कोई दुनिया के किसी कोने में ये नहीं हुआ, किसी ने हम लोग को सिक्योरिटी चेक नहीं किया, फ्रिज नहीं किया, और किसी ने भी कैमरे के लिए मना नहीं किया कि माइक निकालो, ट्राइपॉड निकालो, ये अलाउड नहीं, तुम ये नहीं मत करो, बिंदास शूट करो यार, गलत क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें? अच्छी चीज कर रहे हैं, गुड प्लेस, पीपल विल इंस्पायर्ड टू कम हियर मोर आफ्टर सीइंग दिस प्लेस। ओह कितनी ब्यूटीफुल जगह है यार ये, मैंने आज तक कैमरे में देखी नहीं, इतना किसी ने किया नहीं ये सब चीज, व्हाई नॉट। लेकिन ठंडी में सुबह 3 बजे आना, कोल्ड बट प्रिपेयर फॉर द कोल्ड इफ यू कमिंग इन द विंटर 3 o'clock इन द मॉर्निंग, यही तो मजा है। और वो जा रही है पालकी, यही टाइम है जिसके लिए सब लोग सुबह सुबह आते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत ठंडी है, सब लोग नहीं आ पाएंगे। दिस इज अ मोमेंट, या दिस इज अ मोमेंट, और इसके लिए हम लोग सरण बजे को छोड़ के आए थे कि उनको टाइम लग रहा है। दिस इज द मेन मोमेंट, मेन मोमेंट साहब, चलो लेट्स तो प्रसाद। कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इवन फोन से भी अलाउड नहीं था, बट कोई नहीं, हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा, और अभी हम निकल सकते हैं। दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। अभी जो सॉक्स पहन रहा हूँ ना, तो पैर जो है वो फील नहीं हो रहे हैं ना अभी भाई, पैर है ही नहीं, पूरे है ही नहीं ऐसा लग रहा है, अंदर बाबा जी के छोड़ के आके पूरा नम हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और अभी थोड़ा कुछ खाएंगे। तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, है ना? और मैंने और शानिस ने अंदर बहुत सारी कस्में खाई है, तो हम आपको एक साल बाद बताएंगे, एक साल बाद या 6 महीने बाद। हम लोग अंदर गए थे अराउंड 3:30, अभी बाहर आए अराउंड 6 o'clock, तो देख सकते सब कुछ खुलना शुरू हो गया है, तो पहली चीज़ कुछ गर्मा गर्म हाथ में लेंगे डालेंगे। तो हम खा रहे हैं 1 degree में मैगी, चलता है बस, इतना खा लिया है तो थोड़ा और मैदा डाल लेते हैं, थोड़ी बॉडी में गर्मी आएगी, बिकॉज अभी तक देखो हाथ देखो कैसे हो गए पूरे नम, है ना? शानिस तो गर्मी ले रही, शानिस खाएगी नहीं पता। ये देखो कितने साल बाद पगड़ी में देख रहा हूँ इनको मैं, हो गया सब। अरे आप लोगों के लिए कड़ा लाया, कड़ा लिया, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। सरम लोहा, गुरु साहब ने सरम लोहा बोला, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। अरे ये चले गया, शानिस का चले गया सर, मेरा जाएगा। वाहेगुरु बोलो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मेरे को भी बनाओ यार, ऐसे थोड़ी ना मेरा नहीं जा रहा है, एक मेरे को बढ़ा देता हूँ, ये तो ऐसे लग रहा है मैं शादी कर रहा हूँ आपसे। निखिल आपकी बहू है बच्चे, तो और भी कुछ देना पड़ेगा फिर। थैंक यू। थोड़ा दर्द हुआ लेकिन चले गया। पहली बार हो रहा कि रूम में आने का कैमरा फॉग हो गया, बिकॉज रूम के अंदर हीटर चालू है। अनफॉर्चुनेटली सोरन भाजी वोंट बी जॉइनिंग विद अस इन द कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू शानिस, थैंक यू अभी जी, थैंक यू सर, आप लोगों के घर दर्शन हुए। यस सर, आपकी वजह से बाइक राइड, बाइक राइड। थोड़ी तबीयत डाउन है इनकी, उनको फ्लाइट से आना पड़ेगा, और थोड़ा विटामिन एम भी थोड़ा देखने का। सोचो हम लोग जब रात को 2:30 बजे पहुंचे थे, तब भी इतना फॉग नहीं था जितना अभी फॉग है। बाय द वे राइट नाउ इट्स 7:15 इन द मॉर्निंग, एंड दिस इज हाउ द मॉर्निंग इन अमृतसर इज लुकिंग, प्रीटी मच यू कांट सी एनीथिंग, जीरो विजिबिलिटी। आई होप सरन भाजी का एयरक्राफ्ट जो है टाइम पर लैंड हो जाए और उड़े, टाइम पर चले जाए। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर, बहुत अच्छा लगा गोल्डन टेम्पल जाके, आके हम लोग सो गए, अभी 2:15 हुए हैं। हैप्पी तो 12 बजे फिर से गुरुद्वारा गया, ही वॉन्टेड टू गेट समथिंग फ्रॉम देयर, हमारी तो आँख ही नहीं खुल रही थी, बिकॉज इट्स सच सो कोल्ड हियर एंड यू फील सो कोजी इनसाइड योर बेडशीट की मन ही नहीं करता है, बट ऑफकोर्स आज उठना है और ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास, अभी उठ के हम चेकआउट करके थोड़ा बाहर घूमेंगे, एक दो चीज़ें लेनी है, क्योंकि अभी सोरन भाजी का बैग नहीं है, तो वी कैन पुट मोर स्टफ एट द बैग एंड देन प्रॉब्ली वी लीव वेर वी लिव। तो गाइज आशा करता हूँ आपको ये जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, गोल्डन टेम्पल का मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पर, मतलब होशो आवाज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू हैप्पी भाई सुरन पाजी की जो मुझे यहाँ पर ख्याल डाला उन्होंने कि भाई जाते हैं। पहला प्लान बनना मेरा हैप्पी का बाइक से आने का, बट देन शानिस आई वॉन्ट टू कम, मैंने काम कर शानिस टू और सुरन पाजी फ्लाइट से आ जाओ, शानिस नो आई वॉन्ट टू डू अ रोड ट्रिप विथ यू, मैंने चलो भाई ऑडी भी निकाली नहीं, सर्विस भी, चलो ऑडी लेके चलते हैं, एंड मुझे पता है हैप्पी इज अ गुड ड्राइवर, बिकॉज मैं इतना नॉन स्टॉप आना, फिलहाल आपको पता है स्ट्रेसफुल वीक था तो मैं नहीं चला पता, बट हैप्पी ड्रो फॉर 1000, आई ड्रो फॉर 700, सो या हो गया, यहाँ तक देखने के बाद लाइक का बटन दब जाना चाहिए। विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, अ लवली फ्रेंड। मेरा हैप्पी का भी बाइक का प्लान बन रहा है, ये क्या है? प्योर घी का पराठा है, केसर का, 100 इयर्स ओल्ड ढाबा एंड प्योर घी पराठा, टेस्ट है इसका, पहले घी से दूर भागते थे, अभी घी का सारा सामान चाहिए हम लोग, तो 110 साल ओल्ड ढाबे का कैलोरी डालूंगा, बट चलता है एक्चुअली, मैं गुड फॉर हेल्थ, खा के मिलते हैं शब्बक है। बोलो आई डोंट नो राइट थिंग, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, ऐसा नहीं अलाउड नहीं, किसी ने बोला नहीं, बट किसी ने नहीं पहना है,
एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वेयरिंग अ मास्क।